हेलो फ्रेंड्स, मैं बलमदास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी के जो एलईडी टीवी है, जो एलसीडी है ये, तो दोस्तों इसमें पावर सेक्शन जो है वो ख़राब हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर जो आईसी है वो फूट चुका है। फूटने के कारण हमने इस आईसी को ही रिमूव कर दिया हूँ और ये पर हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे और देखेंगे यह पर सक्सेस होता है या नहीं होता। बेहतरीन तरह का मॉड्यूल जो आता है उसको इंस्टॉल करके देखेंगे हम यहाँ पर। उसके लिए हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे आपका ये वाला 5 to 24 वोल्ट के जो मॉड्यूल है इसको यूज़ करेंगे। ये बेहतरीन क्वालिटी का आता है मॉड्यूल और ये लास्टिंग भी होता है। तो हमने मॉडल को कुछ तरह से हीट सिंक एक लगा दिया हुई यहाँ पर। तो इसका कनेक्शन किस तरह पकड़ से होगा तो हम आपको दिखा देता हूँ। इसका कनेक्शन ये रेड वाला पिन जो है ये ड्रेन पे होगा और ब्लू वाला और यहाँ पर ब्लैक वाला पिन जो है ये सोर्स पे होगा जो कि निगेटिव पिन है। और ये येलो वाला हो गया पॉजिटिव 5 वोल्ट आप दे सकते हैं या पर 12 वोल्ट देख सकते हैं। और ये ब्लू वाला हो गया निगेटिव सप्लाई। मैं इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस है तो उसको मैंने जम्पर करके रखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि जल चुका है। यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इसको ड्रेन। ये है ड्रेन इसका। इस पर इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर एक देंगे ड्रेन को और नेगेटिव को हम यहाँ पर देंगे। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमने ड्रेन पे लगा दिया हो और जो माइनस वाला पॉइंट है ये ग्राउंड पे दे दिया हो यहाँ पर ऐसी देख सकते हैं। और जो यहाँ पर 5 वोल्ट में मैंने दे दिया हो येलो वाला पिन देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। और साथ में देख सकते हैं दोस्तों ये ग्राउंड पिन है जो कि हमने ब्लू वाला पेन को दे दिया हूँ। और इसको आपको क्या करना है, रेगुलेटर को सबसे पहले कम कर लेना है, उसके बाद ही आप रेगुलेटर को एडजस्ट करें, नहीं तो क्या होगा आपका ज़्यादा वोल्टेज आएगा और आपका मदरबोर्ड जो है वो ख़राब कर देगा। आप एक काम कर सकते हैं, जो मदरबोर्ड का जो कनेक्शन है उसको भी हटा सकते हैं, हटा के नहीं तो आपका रेगुलेटर पिन जो है वो कम कर लीजिएगा। तो हमने इसका रेगुलेटर पिन कम कर दिया हूँ तो अभी हम इसमें पावर देंगे। पावर देने के बाद इसको चेकिंग करेंगे क्या इसमें बकाई से वोल्टेज जो बाकी का सारा जितने भी वोल्टेज वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। तो इसको बिठा देता हूँ पहले पोजीशन पे इसको। ये हो गया इसका बैकलाइट ड्राइवर जो कि एलसीडी के। आपको प्रीसेट जो मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हो, लो किया हो, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले कम कर लेता हूँ प्रीसेट को ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा वोल्टेज ना निकले। तो इस तरह से हम इसको लगा दिया हूँ। तो इसको सेफ्टी से मैं रख लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को हमने पास कनेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, इसके बाद हम इसको सप्लाई को जो चेकिंग कर लेंगे। तो इसका जो माइनस का ट्रैक है इसको हम मल्टीमीटर को इस यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से इसको ऑन कर देता हूँ, पावर केबल इनपुट कर देता हूँ यहाँ पर। अभी हम इसको पावर दे सकते हैं क्योंकि सीरीज में हम इसको पावर देंगे। सबसे पहले दे दिया वो हमने सीरीज में इसको पावर। तो सीरीज में देने के बाद जो हमारा बैकलाइट है वो ऑन हो चुका है, इसलिए हमारा सीरीज बल्ब जो है वो जल चुका है देख सकते हैं। तो हम इसको बैकलाइट को पहले ओपन कर लेता हूँ।
क्योंकि बैकलाइट की वजह से हमारा जो 200 बल्ब है वो जल चुका है। हमने इसको बैकलाइट को ऑफ कर दिया हूँ, अभी हम इसमें पावर दिया हूँ। अब हम इसके जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कितना वोल्ट आ रहा है हमारा, हम यहाँ पर भी चेकिंग कर सकता हूँ। जो भी 24 वोल्ट है वो इस सही तरीके से आ रहा है 24 वोल्ट, तो हमारा 5 वोल्ट जो है वो सही से आना चाहिए। यहाँ पर चेकिंग कर लेता हूँ पावर सेक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है पोजीशन इसका। यहाँ पर 5 वोल्ट की ट्रैक है, जो कि 5 वोल्ट देख सकते हैं बराबर से ये मिल रहा है हमें। और 24 वोल्ट मैंने आपको दिखाया हूँ, यह 24 वोल्ट है जो कि सही तरह से आ रहा है हमारा। अब हम इसको सीरीज से हटा के डायरेक्ट कर सकता हूँ, ऑफ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं दो एक स्क्रू लगाता हूँ और देखता हूँ हीट हुआ ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी हीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हीट नहीं हुआ है थोड़ा सा भी। तो हम इसको यहाँ पर बैकलाइट की कनेक्ट करता हूँ। लोड देखे देखना पड़ेगा हमारा बैकलाइट जो है ऑफ हो जाता है या नहीं ऑफ होता है। अगर बैकलाइट कनेक्शन करने के बाद ऑफ हो जा रहा है तो हमें वापस से रेगुलेटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सही पोजीशन में इसको रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मॉस्फेट को कैसे बिठा देंगे, तो हमने पावर सप्लाई को मॉडल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ, उसके बाद हम इसमें पावर दे दिया हूँ। अब हम इसको आपको दिखाता हूँ स्क्रीन आया कि नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो आ चुका है। तो इस पर स्क्रीन लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपका जो टीवी है वो चालू हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये जो सेटअप बॉक्स है यहाँ से हम इसको चला रहा हूँ, तो ये आ चुका है फुल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी एक बात।